हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 to 30 ऑफ एक्सरसाइज 5T क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गए थे, है ना। क्वेश्चन 18 to 21 क्या था, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, बट फ्रॉम 22 to 27 वी विल अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन descending order, both are same. First we will convert the all fraction into like fraction, after that we will arrange the fraction in descending order. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं इजिली कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, विच इज स्मॉलर विच इज द लार्जर फ्रैक्शन, है ना। तो उस हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन इज 3/4, 5/8, 11/12 and 17/24। इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन 22, 3/4, 5/8, 11/12 and 17/24। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, दैट इज 4, 8, 12 and 24। इसका एलसीएम तो ओरली है तो मैं लिख देता हूं, अगर किसी को डाउट हो तो प्राइम फैक्टराइज मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इज 24। नाउ वी विल चेंज ईच फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 24। सबको हम क्या करें, डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करें जिससे कि सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। इससे पहले हमने बताया था क्या करते थे, हाउ विल यू चेंज 4 into 24। फर्स्ट वी विल डिवाइड 24 by 4। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एलसीएम निकल के आया है उसमें हम 4 से डिवाइड देंगे, है ना। 4 6 24, सबको पता है 6 टाइम्स गया, यानी कि क्वेश्चन क्या है 6। जो भी क्वेश्चन आए उसका नोमिनेटर और उसी का डिनोमिनेटर में मल्टीपल, 6 3 18 4 6 24। तो 3/4 किसमें कन्वर्ट हो गया, 18/24। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड वी कैन से 18/24 इज द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4। इसका इक्विवेलेंट होता है। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 5/8। नाउ हाउ विल यू चेंज 8 in 24, क्या करें, किसका मल्टीपल होगा, 8 का डिवाइड 24 में, 8 3 3 times, तो यहाँ 3 होना था, सॉरी 3, तो 5 3 15, 8 3 24। नाउ थर्ड 11/12, तो 11/12 इज नोमिनेटर में किससे मल्टीप्ली करें और डिनोमिनेटर में, तो 12 का डिवाइड हम किस में करें, 24 में कर दें, तो 12 का डिवाइड 24 में, क्वेश्चन इज 2, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीपल करना होगा। तो 2 से मल्टीपल करा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 22/24। एंड लास्ट वन इज सेम, 17/24 इज 17/24। So these are 4 फ्रैक्शन, ओके, विच आर लाइक, जो कि लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। हमें किस ऑर्डर में लगाना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज द लार्जेस्ट। तो नोमिनेटर किसका है, 22, है ना, तो सबसे बड़ा ही हो गया। तो लिखो, सिंस 22/24 इज ग्रेटर, 22 से जस्ट छोटा कौन सा है, 18, है ना, तो 18/24, फिर उससे छोटा कौन सा है, 17। नोमिनेटर चेक करते हैं लाइक फ्रैक्शन में थे, और लास्ट 15/24। सो देयरफॉर ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो, 22/24 किसके इक्वल है, 11/12। तो 11/12 इज ग्रेटर देन 18/24, किसके इक्वल था, 3/4 इज ग्रेटर देन 17/24 इज ग्रेटर देन 5/8। इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3, 5/6, 7/9 and 11/18। तो सेम, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 and 18। ये भी ओरली है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 18 होगा। तो हम ईच डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, 18 में। 2/3 इज इक्वल, कैसे करते थे, क्या सिखाया था, 3 का डिवाइड 18 में 6 टाइम, जो भी क्वेश्चन हो नोमिनेटर में मल्टीपल कर दो और 6 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 12/18। सिमिलरली वी कन्वर्ट 5/6,
तो 5 इंटू 6 इंटू किससे मल्टीपल होगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, 18 को किससे डिवाइड, 6 से, तो 6 3 जा, तो 3 का मल्टीपल करा तो 15 अपॉन 18 जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करना हमें 18 में है, जो एलसीएम निकल के आया था। थर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9, डिनोमिनेटर क्या है 9, एलसीएम क्या था 18, नॉट 18 डिवाइडेड बाई 9, क्वेश्चन इज 2, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, तो इट विल बी 14 अपॉन 18 एंड लास्ट इज 11 अपॉन 18 ऑलरेडी, तो 11 अपॉन 18 इज इक्वल 11 अपॉन 18, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शन, इसको आपको नहीं करना, ये तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए अंडर एस कर दिया, ब्रैकेट बना दिया है। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर कौन सा है 15, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ऐसी तो कंपेयर करते हैं। इफ वो लाइक फ्रैक्शन आर गिवन, तो हुज न्यूमिनेटर इज लार्जेस्ट दैट फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, हुज न्यूमिनेटर इज स्मॉलेस्ट दैट फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये आपको पता है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है और जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है, अगर फ्रैक्शन कैसे हो लाइक फ्रैक्शन, इसलिए हम ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है 15 अपॉन 18, तो सिंस 15 अपॉन 18 इज ग्रेटर देन किससे 14 अपॉन 18, उससे भी ग्रेटर कौन सा है 12 अपॉन 18 से बड़ा है, और ये किससे बड़ा है 11 अपॉन 18, तो देयरफॉर 15 अपॉन 18 किसके इक्वल था 5 अपॉन 6 है ना, इट्स इक्वल 14 अपॉन 18 किसके इक्वल है 7 अपॉन 9, इट्स इक्वल टू y3, इट्स इक्वल कर रहा हूं सॉरी ग्रेटर देन 11 अपॉन 18, 5 अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 7 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 11 अपॉन 18, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 5, 7 अपॉन 10, 8 अपॉन 15, इसका एलसीएम 30, चलो एक क्वेश्चन का मैं एलसीएम दिखाई देता हूँ, है ना, इस वाले वीडियो में एक एलसीएम नहीं दिखाया मैंने लेके, क्योंकि ये ओरल है तो आप ओरल भी लिख सकते हैं, जरूरी शो करना है, इसका वैसे 30 आएगा, 2 से डिवाइड करें, एलसीएम तो जानते हो ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लिखा दे रहा हूँ फटाफट फटाफट, अब किससे जाएगा 3 से, 3 बन जा 5, 5, 3, 5 जा लास्ट इज 5, अब तो डायरेक्ट लिख दूँ 5, 3 जा 15, 2 जा, चलो ये भी लिख दे रहा हूँ, एलसीएम ही होता है इनका मल्टीपल, तो एलसीएम किस में आ गया, सॉरी किस में कह रहा हूं, इसका एलसीएम आ गया 30, ओके। तो नाउ वी विल चेंज ईच डिनोमिनेटर इनटू 30, इन जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं सबके डिनोमिनेटर को हम 30 में कन्वर्ट करेंगे, इससे क्या होगा, इससे जितने भी फ्रैक्शन है सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। क्या बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन लिख लो, न्यूमिनेटर में मल्टीपल होगा और डिनोमिनेटर का भी, किसका होगा जो एलसीएम आया है, क्या आया है 30, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, 3 का डिवाइड 30 में करें, 30 डिवाइडेड बाई 3, क्वेश्चन इज 10, जो भी क्वेश्चन आएगा 10 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में भी करना है और 10 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में भी, तो इट इज इक्वल टू 20 अपॉन 30, ओके। सेकंड फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5, सेकंड फ्रैक्शन ये है 3 अपॉन 5, तो हमने बताया था न्यूमिनेटर में कुछ मल्टीपल होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा, किसका होगा 5 का डिवाइड 30 में करो, क्वेश्चन इज 6, जो भी क्वेश्चन आए 6 से मल्टीपल होना है न्यूमिनेटर में और 6 से ही मल्टीपल होना है डिनोमिनेटर में, और ये आ गया 18 अपॉन 30, ये भी 30 ये भी 30, तो बोथ आर लाइक फ्रैक्शन। सिमिलरली वी कन्वर्ट 7 अपॉन 10, क्या करेंगे 10 का डिवाइड 30 में 3 टाइम्स, तो 7 3 जा 21 और 10 3 जा 30, लास्ट वन इज 8 अपॉन 15, तो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल होगा, अब वो नंबर होगा क्या जो एलसीएम आया था, एलसीएम आया था 30, 15 का डिवाइड 30 में हम कर रहे हैं 15 का 30 में, तो 15 2 जा 2 टाइम्स गया, तो यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीपल होगा 16 अपॉन 13, तो ये चारों फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन में, देखो 20 अपॉन 30, 8 अपॉन 30, 21 अपॉन 30 एंड 16 अपॉन 30, ओके। हमें इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ऑल आर लाइक फ्रैक्शन है ना, यू नो वेरी वेल, इफ ऑल फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन तो विच क्या कहते हैं फ्रैक्शन हैज लार्जेस्ट न्यूमिनेटर दैट फ्रैक्शन विल बी लार्जेस्ट, तो कौन सा है 21, तो लिखोगे सिंस 21 अपॉन 30
इज ग्रेटर देन 21 से जस्ट छोटा न्यूमरेटर क्या है 20 ये है ना, तो 20 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन ये किससे बड़ा है 18 अपॉन 30 से, और 80 किससे बड़ा है 16 अपॉन 30 से, तो देयरफॉर 21 अपॉन 30 क्या था 7 अपॉन 10 के इक्वल, इज ग्रेटर 0 से 0 कैंसिल, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 20 अपॉन 30 किसके इक्वल है ये ना 2 अपॉन 3 के इक्वल ही तो है जो हमें देव गिवन है वो लिखने हैं। 18 अपॉन 13 किसके इक्वल दे रखा है 3 अपॉन 5 के, और 16 अपॉन 13 दे रहा किसके इक्वल है ये 8 अपॉन 15 के, तो इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ओके नाउ क्वेश्चन 25, नाउ क्वेश्चन 25, 5 अपॉन 7, 9 अपॉन 14, 17 अपॉन 21 एंड 31 अपॉन 42, 42 के सारे फैक्टर हैं तो इसका एलसीएम 42 ही होगा, लिख देता हूँ डायरेक्ट, एलसीएम ऑफ 7, 14, 21 एंड 42 इज इक्वल 42, यानी कि हमें सारे डिनोमिनेटर को किसमें कन्वर्ट करना है 42 में। नाउ वी विल कन्वर्ट ईच डिनोमिनेटर इनटू 42, तो 5 अपॉन 7 इज कर दूं डायरेक्ट, अब तो समझा चुका हूं कई बार कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 का डिवाइड 42 में 6 टाइम, तो 6 से मल्टीपल 30 अपॉन 42, 9 अपॉन 14, 14 का डिवाइड 42 में 3 टाइम्स, 9 3 जा 27, 14 3 जा 42, 17 अपॉन 21 2 टाइम्स, 34 अपॉन 42 लास्ट वन इज 31 अपॉन 42, इसमें तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 42 है तो ये ऐसा ही रहेगा, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखो किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है 34 है ना, तो सबसे पहले ये आएगा, देखोगे सिंस 34 अपॉन 42 इज ग्रेटर देन, और ये किससे बड़ा है 31 से, 31 अपॉन 42 और ये बड़ा है 30 से, 30 अपॉन 42 इज ग्रेटर देन 30 अपॉन 42, देयरफॉर 34 अपॉन 42 किसके इक्वल था 17 अपॉन 21 इज ग्रेटर देन 31 अपॉन 42, ये है कुछ चेंज नहीं होना इसमें, 30 अपॉन 42 किसके इक्वल था 5 अपॉन 7 के, तो 5 अपॉन 7, ये मैंने दो बार सेम क्यों लिख लिया, कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, एक बार देख लूँ मैं, 34 31 30, ओके ये 27 है ना, और 20 ये क्या है 27 सही लिखना, 27 अपॉन 42 और ये इक्वल किसके है 9 अपॉन 14, तो दिस ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके तो दीज आर डिसेंडिंग ऑर्डर, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 23, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 17 एंड 1 अपॉन 50, अब क्या दिमाग में आता है भाई, अच्छा जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैं इससे पहले से दो वीडियो बनाए मैंने, उन दोनों वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो आप उसमें देख सकते हैं, वरना यूट्यूब चैनल पर मेरे इसी चैनल पर प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, क्लास 6 आर एस अग्रवाल मैथ नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे चैप्टर एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसको जो भी एक्सरसाइज जो भी सॉल्यूशन चाहिए उसमें मिल जाएगा है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इंट्रो बनाया था तो आपको बताया था, अगर देखो इसको तरीका तो ये जो हम अभी तक करते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीचे 23 7 17 ये क्या है प्राइम नंबर है, मल्टीपल करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन इसमें एक क्या है न्यूमिनेटर सेम है, तो मैंने उस वीडियो में समझाया था, अगर लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, एक कंडीशन ये होती है, एक अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो थोड़े इजी हो जाते हैं, अब अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो बहुत इजी हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो तब भी बहुत इजी हो जाता है अरेंज करने में, अब यहां देखो न्यूमिनेटर सेम है, अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट कौन सा होगा कौन सा स्मॉलेस्ट, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, कौन सा सबसे छोटा है 7, तो ये सबसे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा क्या होगा उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 9, उससे बड़ा 9 से जस्ट बड़ा कौन सा 12, उससे बड़ा 17, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, अगर क्या हो न्यूमिनेटर सेम हो, तो हमें इसको किस ऑर्डर में लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, 1 अपॉन 7 है तो सबसे पहले ये आएगा, 1 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन, इससे भी ये किससे बड़ा है 1 अपॉन 7, अब 7 के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है न्यूमिनेटर कौन सा है 9, तो 1 अपॉन 9
इज ग्रेटर देन, 9 से बड़ा ढूंढे 12, 1 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन, 12 से बड़ा कौन सा है 17, और 17 से बड़ा 23, और इससे बड़ा 50, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया है ना, तो 1 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 17 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 23 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 50। समझ में आ गया ना, अगर न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा था जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, 7 इज द स्मॉलेस्ट तो इट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन 1 अपॉन 7। अब ये क्लियर हो गया, इसको काट दो। अब बची इसमें देखो कौन सा बड़ा है, 9 इज द स्मॉलेस्ट बची हुई में तो इट इज द ग्रेटेस्ट, तो सेकंड नंबर पर आगे हटा दो। थर्ड, अब इन बची हुई में कौन सा ग्रेटेस्ट है, 12, तो 1 अपॉन 12 आ गया, इसी भी हटा दो। चलो अब कौन बचा, 23, 70, 50, तो कौन सा सबसे बड़ा इन तीनों में, 17 इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा इन तीनों में, पहला आएगा। अब इसी तरह ये ओके, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 27 भी ऐसा ही है, इसे भी आप ठीक से समझ लो। ये तो गनीमत है अगर न्यूमिनेटर सेम है, अगर किसी का भी एक का भी न्यूमिनेटर चेंज होते कि 2, 3, 4 तो बहुत बड़ा लंबा सवाल होने वाला था, क्योंकि 23, 7, 17 प्राइम नंबर है तो इनका तो मल्टीपल करते करते और बाकी जो आता उतना एलसीएम आता, फिर हम सबको उसमें कन्वर्ट करते। समझ में आ रहा है ना, तो 27 3 अपॉन 7 3 अपॉन 11 3 अपॉन 5 3 अपॉन 13 3 अपॉन 4 3 अपॉन 17, ये भी इजी हो गया, सेम ऊपर है, वहां न्यूमिनेटर क्या था 1, यहां न्यूमिनेटर क्या है 3, यानी कि कहने का मतलब इक्वल है, सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या होगा इसका ऑर्डर, सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखो ये मिल गया 4, तो यानी कि 3 अपॉन 4, और से छोटा कौन सा होगा, अब 4 से जस्ट बड़ा है कोई 5, तो ये जस्ट बड़े से मतलब नहीं है, जस्ट बड़ा तो मुझसे निकले उससे बड़ा मतलब है ना, अब 5 से बड़ा कौन सा है 7, तो फिर ये इससे बड़ा होगा 3 अपॉन 7 से। अब ये तो पूरा हो गया, हटा दिया मैंने, क्या 11, 13, 17, इन तीनों में 11 छोटा है, तो इसके बाद ये आएगा 3 अपॉन 11, और ये किससे बड़ा है 3 अपॉन 13, और ये बड़ा है 3 अपॉन 17, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन था 3 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 13 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 17। ओके क्लियर, समझ में आ गया ना, तो ये देखो कितने इजी थे, उनसे इजी थे है ना, उसमें तो हमें क्या करना पड़ा था, पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा था, यानी कि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ा था। ओके नाउ 28, 29, 30 ये और करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन 28 लिसन केयरफुली, ललिता रीड 30 पेज ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेज, एक बुक है जिसमें कुल 100 पेजेस हैं, उसमें से ललिता 30 पेज पढ़ती है, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय ललिता इज 30 पेजेस। ओके अब आगे सुनिए, सरिता रीड 2 अपॉन 5 ऑफ द बुक, सरिता 2 अपॉन 5 पेज पढ़ती है, 2 अपॉन 5 का मतलब जितने पेज है उसका 2 अपॉन 5, तो हमने लिखा नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय सरिता इज इक्वल 2 अपॉन 5 ऑफ, टोटल पेज कितने थे बुक में 100, यानी कि 100 का 2 अपॉन 5 ऑफ का मतलब जानते हैं 2 होता है 5 से कैंसिल 22 जा 40 पेजेस। ललिता ने कितने पेज पढ़े 30, सरिता कितने पढ़ रही है 40, बस इसमें इतना ही पूछा है हु रीड मोर, कितने ज्यादा पेज पढ़े 30 पेज ज्यादा है कि 40 ज्यादा है, ये कौन पढ़ रहा है सरिता, तो बस आपको ये लिखना है सरिता, ये सो भी करना है ना, सरिता रीड मोर, बस इतना मोर पेजेस पूछता हाउ मच, तो 40 में से 30 को सेपरेट कर देते तो 10 पेजेस ज्यादा पढ़े, लेकिन ये नहीं कुछ पूछा, बस इतना पूछा है Who read more pages? The Sarita read more pages. Okay. Now next question number 29. Now question number 29 and the question is Rafiq exercise for 2 by 3 hour. Exercise karta hai 2 upon 3 hour. So, we will likh liya time spent on exercise by Rafiq is equal 2 upon 3 hour. And Rohit exercised for 3 upon 4 hour. So, we will likh liya टाइम स्पेंड ऑन एक्सरसाइज बाय रोहित, रोहित के द्वारा जो एक्सरसाइज में टाइम खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है 3 अपॉन 4 आर। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने अधिक समय तक एक्सरसाइज करी, ये पूछा है बस सिंपल सा। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे, एक तो हम इसका फ्रैक्शन दे रखा कंपेयर कर ले है ना, तो जिसका फ्रैक्शन बड़ा हो, और दूसरा एक तरीका और है
क्या इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें जिसका ज्यादा टाइम होगा। तो सिंपल तरीका पहला, दोनों तरीके से कर देते हैं। देखो अगर हम इसको ये करें तो इसका मतलब 2 × 60 अपॉन 3 मिनट, 3 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 40 मिनट। ओके ये 40 मिनट्स आ गया। इसी तरह इसको चेंज कर लें, 3 × 60 अपॉन 4, 4 से 15 पर, 15 × 3 = 45, और ये आ गया 45 मिनट। ये 40 मिनट्स में, ये 45 मिनट्स में कौन है? रोहित। कहीं क्लियर हो गया, रोहित स्पेंड मोर टाइम ऑन एक्सरसाइज। ओके एक तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका क्या, क्योंकि ये फ्रैक्शन के सवाल चल रहे हैं, हमने कंपेयर करना सीखा हुआ है, तो दोनों को लिख लो। फ्रैक्शन किसका दे रखा, रफीक का, किसका बड़ा है? 4 × 2 2 × 4 और 3 × 3 तो 8 और ये 9, इस साइड का फ्रैक्शन बड़ा है, ये कौन था? रोहित। तो रोहित स्पेंड मोर टाइम ऑन एक्सरसाइज, मर्जी आपकी है कैसे भी कर देना है ना। मैं दोनों तरीके से कर दिए हैं, तो मैं यहाँ मान लो ये करा है, ये 40 मिनट, ये 45 मिनट, तो किसने स्पेंड ज्यादा करा? तो लिख दोगे रोहित स्पेंड मोर टाइम ऑन एक्सरसाइज। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 30, एंड द क्वेश्चन इज, लिसन केयरफुली, क्वेश्चन इज, इन ए स्कूल 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 पास, 25 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 20 स्टूडेंट पास हो गए इन फिफ्थ सिक्स ए। ओके तो वाइल 24 आउट ऑफ 30 पास इन सिक्स बी, दूसरा सेक्शन था उसमें 30 में से 24 स्टूडेंट पास हुए, तो व्हाट सेक्शन गिव बेटर रिजल्ट, किसने बेटर रिजल्ट दिया? इस तरीके से करेंगे जिसका रेशो अधिक होगा, करते हैं अभी। ओके तो रेशो ऑफ पास स्टूडेंट इन क्लास सिक्स ए, 20 स्टूडेंट पास हुए 25 में से, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 × 4 = 5, 5 × 5 =। सिमिलरली रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट इन क्लास 6B, 24 पास है आउट ऑफ 30 में से, 24 अपॉन 30, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 6 × 4 = 6, अरे ये तो इक्वल आ गए, तो इक्वल रिजल्ट हो गया। इसमें पूछा था क्या, विच सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट, तो लिख दोगे बोथ सेक्शन गेव सेम रिजल्ट, दोनों का इक्वली तो है, कोई सा भी सेक्शन बेटर नहीं है, बोथ बोथ आर इक्वल, तो बोथ सेक्शन गेव सेम रिजल्ट। ओके तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आज 5D, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इससे आप फिर पकड़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कोई आपको डाउट हो तो उसको कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो का, जिससे वो भी इसका फायदा उठाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।